हेलो किड्स कैसे हैं आप सब तो एक बार फिर से स्वागत है आज की मैथ्स क्लास में और आज हम करेंगे एच सी एफ एंड एल सी एम एच सी एफ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ का मतलब क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर द हाइस्ट और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और एच सी एफ इट इज ऑल्सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी सी डी जनरली टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ अ स्मॉल नंबर वी कैरी आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर एंड डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड एस सी एफ ऑफ सिक्स एंड ट्वेंटी फोर वी फैक्ट्राइजीन एंड ट्वेंटी फोर इट्स नॉट सिक्सटीन इट्स एटीन और ट्वेंटी फोर को हम फैक्टराइज करेंगे तो एटीन का प्राइम फैक्ट्राइजेशन क्या होगा टू इंटू थ्री इंटू थ्री एंड ट्वेंटी फोर का हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री एच सी एफ यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो देखिए यहाँ पे टू है यहाँ पे भी टू है वन टाइम है दोनों में कॉमन है थ्री यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है दोनों में वन टाइम टू एंड थ्री कॉमन है तो एच सी एफ क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री यानी सिक्स वी नोटिस दू इंटू थ्री इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एटीन एंड ट्वेंटी फोर तो एस क्या हो जाएगा हमारा सिक्स नेक्स्ट है फाइंड द एस सी एफ द फॉलोइंग गिवन नंबर हमें नंबर गिवन है इनका एस सी फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्या है हमारा वन सेवेंटी फाइव एंड टू हंड्रेड एस सी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा सबसे पहले वन सेवेंटी फाइव का वन सेवेंटी फाइव है ये क्या है किस से किस नंबर से रहे? टू से नहीं हो सकता देन थ्री से थ्री के लिए क्या करेंगे हम चेक करेंगे फाइव प्लस वन सिक्स सिक्स प्लस सेवन थर्टीन दैट मीन्स ये थ्री से भी डिवाइड नहीं हो सकता उसके बाद ये होगा फाइव से फाइव थ्री जो फिफ्टीन फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव अगेन ये फाइव से डिवाइड हो सकता है फाइव सेवन जा सेवन इज़ द प्राइम नंबर नेक्स्ट हमें करना है टू हंड्रेड का तो हम यहाँ पे कर लेते हैं टू हंड्रेड का सबसे पहले टू से होगा हंड्रेड अगेन टू से होगा फिफ्टी टू से हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अब ये फाइव से डिवाइड होगा तो 175 का क्या गया फैक्टराइज किया तो 175 सेवेंटी फाइव दैट इज इक्वस टू फाइव इं टू फाइव इंटू सेवन एंड टू हंड्रेड का क्या हो जाएगा हमारा टू हंड्रेड इक्व टू हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू यह हमें लिखना है इंटू फाइव इंटू फाइव आप दोनों नंबर में चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो कॉमन है देखिए यहाँ पे फाइव टू टाइम और यहाँ पे भी टू टाइम इसके अलावा कोई नंबर जो ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो तो इसका जो एच हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एस सी एफ एकवल्स टू हो जाएगा फाइव इं फाइव दैट मीन्स ट्वेंटी फाइव तो यह हम लिख देंगे ट्वेंटी फाइव तो इस तरीके से हम एस सी एफ फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड द एस सी एफ सिक्सटी फोर एंड वन हंड्रेड ट्वेल्व बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड सबसे पहले हमने 64 को फैक्टराइज किया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू कितने 3 और 3 सिक्स टाइम 2. नेक्स्ट हम 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू सेवन अब देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है कॉमन फैक्टर आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू यानी फोर टाइम यानी कि सिक्सटीन तो इस तरीके से हम एस किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एस सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज टू फाइंड एच सी एफ यूजिंग डिविजन बाय कॉमन फैक्टर डिवाइड द गिवन नंबर साइमेंटेनियसली बाय द कॉमन फैक्टर अनटिल देर एज नो कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द गिवन नंबर सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस कामन फैक्टर विल बी द हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर एग्जाम्पल के हज से समझते हैं फाइन एस सी एफ ऑफ सिक्सटी फोर नाइन्टी सिक्स एंड वन हंड्रेड एट बाई यूजिंग डिविजन बाई कॉमन फैक्टर अब देखिए यहाँ पर हमें तीन नंबर गिवन है सिक्सटी फोर नाइन्टी सिक्स एंड वन हंड्रेड एट ऐसा कौन सा नंबर है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं दैट इज टू 64 को डिवाइड किया 32 आ गया 96 को किया तो 48, 108 को किया तो 54. अगेन ये तीनों नंबर टू से डिवाइड हो सकते हैं तो हमने टू से डिवाइड किया ये आ गया 16, 24 एंड 27. अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो बिकॉज़ ये दोनों क्या है इवन नंबर है ये तो टू से डिवाइड हो सकते हैं पर ट्वेंटी नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा इसका एस सी क्या हो जाएगा टू इंटू यानी कि फोर तो एक वे है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दूसरा है ये कॉमन फैक्टर वाला चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज टू फाइंड एस सी एफ बाय लॉन्ग डिविजन मैथड टू फाइंड एस सी एफ ऑफ टू नंबर वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर इफ देर इज नो रिमाइंडर देन द स्मॉलर नंबर इज द एस सी एफ इफ नॉट द रिमाइंडर ऑफ द डिविजन बिकम द न्यू डिवाइजर and the previous divisor become the dividend and the process continue till we obtain zero as remainder example ki hath samajhte hain find the hcf of 24 and 81 by long division method hamare number hai 24 and 81 isko hame long division method se hame nikalna hai iska hcf तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हो गए नहीं एटी जो बड़ा नंबर उसको अंदर लिखेंगे उसको divide करेंगे 24 से 24 फोर थ्री जो सेवेंटी टू करेंगे तो 9 आ जाएगा नाइन क्या हो जाएगा हमारा डिवाइज़र और ये जो यहाँ पे डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंट अब हम डिवाइड करेंगे नाइन टू ज़ा एटीन सब करेंगे सिक्स आ गया अब ये जो हमारा डिवाइज़र था ये यहाँ पे डिविडेंट बन गया यहाँ पे लिख दिया नाइन सिक्स वन सास सब किया थ्री आ गया अब ये जो डिवाइज़र हमारा डिविडेंड बन जाएगा सिक्स को डिवाइड करेंगे थ्री से तो थ्री टू ज़ा सिक्स आप हमारा क्या आ गया लास्ट में जीरो हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि जीरो ना आ जाए तो जो लास्ट हमारा डिवाइजर है दैट इज थ्री वो क्या हो जाएगा एस सी एफ थ्री इज द एस सी एफ ऑफ ट्वेंटी फोर एंड एटी वन तो इस तरीके से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एस सी एफ फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग एस सी एफ ऑफ मोर देन टू नंबर्स यहाँ पे हमने क्या किया था टू नंबर्स का लॉन्ग डिवीजन मेथड से एस फाइंड आउट किया था अगर दो से ज़्यादा नंबर हैं तो क्या करेंगे इफ़ देर आर मोर देन टू नंबर्स चूज एनी टू ऑफ देम एंड फाइंड द एस द एस सी एफ ऑफ टू नंबर एंड द थर्ड नंबर गिव्स द एस सी एफ ऑफ दिज थ्री नंबर्स द एस सी एफ ऑफ थ्री नंबर्स एंड द फोर्थ नंबर्स गिव द एस सी एफ ऑफ दिज फोर्थ नंबर एंड ऑन एग्जाम्पल से समझते हैं फाइंड द एस सी एफ ऑफ वन थर्टी सिक्स वन सेवेंटी एंड टू एटी नाइन हमें यहाँ पे थ्री नंबर्स गिवन है एस सी एफ फाइंड आउट करना है पहले हम कोई भी टू नंबर चूज करेंगे ये टू नंबर चूज कर लिए हमने वन थर्टी सिक्स एंड वन सेवनटी जो भी बड़ा होगा उसको डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से वन को डिवाइड किया हमने वन थर्टी सिक्स से तो आ गया वन टाइम डिवाइड हुआ थर्टी फोर आ गया सब ट्रैक करके अब वन थर्टी सिक्स हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड थर्टी फोर से डिवाइड किया फोर टाइम हुआ या ज़ीरो आ गया अब ये जो है एस सी एफ ऑफ वन थर्टी सिक्स एंड वन सेवनटी क्या आ गया हमारा थर्टी फोर जो लास्ट डिवाइजर था अब हमें थर्ड नंबर हमारा क्या है टू एटी नाइन अब हम क्या करेंगे ये जो हमारा एस सी एफ आया थर्टी फोर को इसको टू एटी नाइन को डिवाइड करेंगे थर्टी फोर से थर्टी फोर एट टू सेवेंटी टू सब किया सेवेंटीन आ गया थर्टी फोर हमारा बन जाएगा डिविडेंट से थर्टी फोर लास्ट हमारा डिवाइजर क्या था एच सी एफ वन थर्टी सिक्स वन सेवनटीन टू एटी नाइन का ये हमारा हो जाएगा एच सी एफ डेट इज सेवनटीन तो इस तरीके से हम अगर दो से ज्यादा नंबर हैं तो इस तरीके हम, find out से हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिविजन मैथड से चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये एक्सरसाइज आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एल सी एम एल सी एम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कॉमन मल्टीपल्स आर द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू और मोर नंबर लेट इस फाइंड आउट कॉमन मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन मल्टीपल ऑफ ट्वेल्व मीन्स जो हम मल्टीप्लाई करते हैं टेबल से ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी एट सिक्सटी सेवेंटी टू एंड सो ऑन क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं चलते रहते हैं एटीन के ये हो जाएंगे अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा है तो देखिए थर्टी सिक्स यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है सेवनटी टू यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है तो ये क्या हो गया इसके कॉमन मल्टीपल इस तरीके से हम कई कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं अगर टेबल को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट हमारा है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम Two or more numbers may have unlimited common multiples. The least of them is called the least common multiple. Least means subset chota. Let us discuss the three method to find LCM of two or more numbers. To find the LCM through multiples. First, our method hai, wo multiples LCM find out karna. First step kya hoga? Find the multiples of given number. Next, choose their common multiples. स्टेप थ्री हो जाएगा टेक द स्मॉलेस्ट ऑफ़ द कॉमन मल्टीपल दिस स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर नेक्स्ट हमारा है फाइंड द एल सी एम ऑफ गिवन नंबर हमें नंबर का एलसीएम निकालना है मल्टीपल मैथड से तो थर्टी फाइव का नेक्स्ट सेवेंटी के मल्टीपल और ट्वेंटी फाइव के सेवेंटी का हो जाएगा सेवेंटी वन फोर्टी

टू फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव थ्री हंड्रेड थ्री ट्वेंटी फाइव एंड थ्री फिफ्टी देखिए अभी तक इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आया इसमें और इसमें थ्री फिफ्टी ऐसे ही हम थर्टी फाइव की टेबल लिखेंगे टेन टाइम तो हमारा क्या आ जाएगा थ्री फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी क्या है लीस्ट कॉमन नंबर जो तीनों में है तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा थ्री फिफ्टी तो इस तरीके से हम मल्टीपल मैथड से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड मोस्टली हम इस मैथड का यूज़ करते हैं टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स डू द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ ईच ऑफ़ द गिवन नंबर then required LCM is these numbers is the product of all different prime factors of the numbers using the greatest power of each common prime factors find the LCM of 24 68 88 एट एटी एट तो हम क्या करेंगे इन तीनों नंबर का LCM फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्ट्राइजेशन करेंगे ट्वेंटी फोर का हो जाएगा 2 into टू इंटू टू का हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू सेवनटीन एटी का हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू अब हमें एल्सीयम फाइंड आउट करना है तो देखिए टू की हाईएस्ट पावर कितनी है नंबर्स की हम हाईएस्ट पावर देखेंगे यानी कितने टाइम मैक्सिमम रिपीट हुआ है नंबर थ्री टाइम्स यहाँ पे थ्री है यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है तो मैक्सिमम टू थ्री टाइम्स हुआ है तो हम टू को थ्री टाइम्स लिख देंगे टू इंटू टू इंटू टू उसके बाद थ्री कितने टाइम हुआ है वन तो हम वन लिख देंगे सेवनटीन वन टाइम यहाँ सेवेंटीन लिख देंगे इलेवन वन टाइम ये इलेवन को लिख देंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी एट इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझेंगे इन डिवीजन मेथड द गिवन नंबर आर अरेंज इन अ लाइन इन एनी ऑर्डर द स्मॉलर प्राइम नंबर इज डिवाइडेड एग्जैक्टली एट लीस्ट टू और द गिवन नंबर एंड कैरी फॉरवर्ड द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल नो टू और गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय सेम नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द डिविजन एंड द अंडर डिवाइडेड नंबर्स इज़ द रिक्वायर्ड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एग्जाम्पल समझते हैं फाइंड आउट एलसीएम ऑफ सिक्सटीन थर्टी टू फोर्टी एट एंड फिफ्टी सिक्स हमें नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है कॉमन डिविजन मैथड से हमने ये नंबर लिख दिए अब ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे प्राइम नंबर जो एटलीस्ट टू नंबर को डिवाइड करे सारे नंबर इवन नंबर है दैट मीन्स वो टू से डिवाइड हो सकते हैं टू से डिवाइड किया तो आ जाएगा टू एट से सिक्सटीन टू सिक्सटीन से थर्टी टू यहाँ आ जाएगा ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी एट अगेन ये सारे नंबर टू से डिवाइड हो सकते हैं हमने टू से डिवाइड किया तो आ गया फोर एट ट्वेल्व एंड फोर्टीन अगेन टू से डिवाइड हो सकता है टू से डिवाइड किया टू फोर सिक्स एंड सेवन अब ये सारे नंबर टू से डिवाइड नहीं हो सकते बट हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है ऐसा प्राइम नंबर जिससे एटलीस्ट टू नंबर डिवाइड हो ये तीनों नंबर टू से डिवाइड हो सकते हैं हमने टू से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया वन टू थ्री एंड सेवन नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे हमने अब जो है ये कॉमन नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो सके तो हमने क्या किया यहाँ पे अगेन टू से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया वन वन थ्री एंड सेवन जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख देंगे अब देखिए थ्री ओनली थ्री इज अ प्राइम नंबर तो थ्री से ही डिवाइड हो सकता है थ्री से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया वन 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 इसके बाद बच गया सेवन सेवन क्या है प्राइम नंबर है तो हमने सेवन से डिवाइड किया लास्ट में आ गया वन 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 हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक लास्ट में सब जगह वन में आ जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन दैट इज सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू तो इस तरीके से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिवीजन मेथड से चलिए आगे बढ़ते हैं ये एक्सरसाइजेस हैं ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन एस सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स अब हम समझेंगे कि एल सी एम और एस सी एफ में क्या रिलेशन है कंसीडर द नंबर ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी their product is 25 into 40 that is इज their HCF is सी their LCM is 5 into सी into इज़ that is फाइव इंटू एट क्या हो जाएगा टू हंड्रेड और HCF हमारा फाइव तो HCF सी एफ यानि कि फाइव इंटू टू हंड्रेड ये क्या आ गया थाउजेंड the product जो नंबर थे जिनका हमने LCM और HCF निकाला था उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ट्वेंटी फ़ाइव इंटू फोर्टी वो भी क्या हो जाएगा थाउजेंड द प्रोडक्ट ऑफ ट्वेंटी फ़ाइव एंड फोटी द एच सी एफ़ ऑफ़ ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी इंटू एल सी एम ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टी मीन्स जो नंबर है जिनका हम एल सी एम और एच सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट और हमारा एल सी एम और एच सी एफ का प्रोडक्ट सेम है दोनों क्या हो जाएंगे थाउजेंड और ये भी था थाउजेंड अगेन कंसीडर द नंबर 36 एंड 42, टू दियर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 36 सिक्स इंटू फोर्टी टू दैट इज़ वन अगर 36 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1512. थाउजेंड फाइव क्या है हमारा यहाँ पे सिक्स और एल है 252. तो अगर हम एल और एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1512 और हमारा दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या था 1512 थाउजेंड मीन्स जो एल और एस का प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एच सी एफ एंड एल सी एम ये इनका रिलेशनशिप है अगर हमें एच सी एफ फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एल और एल फाइंड आउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एच से डिवाइड करेंगे अगर दोनों नंबर में से कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे एल और एच को के जो प्रोडक्ट हो उसको जो दूसरा नंबर है गिवन नंबर उससे डिवाइड करेंगे इस तरीके से हमें कोई भी एक चीज़ दी गई है या दो चीज़ें दी गई हैं तो हम जो मिसिंग नंबर है या कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है वो इजीली कर सकते हैं एग्जाम्पल समझते हैं द एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज ट्वेंटी नाइन एस सी एफ हमारा क्या है ट्वेंटी नाइन एंड देयर एल सी एम इज़ वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी एल सी एम क्या है वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी इफ वन ऑफ द नंबर इज वन फोर्टी फाइव फाइंड द अदर नंबर अब एक नंबर हमको गिवन है वन फोर्टी फाइव हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में जो दूसरा नंबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ एंड एल सी एम ये इनका रिलेशनशिप होता है अब ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर क्या था 145 फोर्टी फाइव किसके इक्वल होगा एल सी एम इंटू एस सी एफ दैट इज ट्वेंटी नाइन इंटू वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है इस सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा मीन्स 29 नाइन इंटू डिवाइडेड बाय 145 यानी हमारे एल और एच के प्रोडक्ट को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो मिल जाएगा तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 232 तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारा है सॉल्व द सम फर्स्ट है इफ़ द एल सी एम ऑफ सेवेंटी सेवन एंड नाइन्टी नाइन इज सिक्स नाइन्टी थ्री फाइंड द एच सी एफ़ हमें दोनों नंबर गिवन है नंबर हमारे सेवेंटी सेवन एंड नाइन्टी नाइन और एलसीएम हमारा सिक्स नाइन्टी थ्री रिलेशनशिप क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एच तो उससे हम करेंगे सेवेंटी सेवन इंटू नाइन्टी नाइन ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एलसीएम हमारा क्या है सिक्स नाइन्टी थ्री इन टू हमें फाइंड आउट करना है तो एस किसके इक्वल हो जाएगा एच हो जाएगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे एल से यानी 693 से ये हो जाएगा 33 थ्री थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जन एंड इलेवन थ्री जर्टी थ्री ये हो जाएगा एलेवन टू जो ट्वेंटी अलेवन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन एंड ये हो जाएगा 11 तो हमारा एच सी एफ क्या आ जाएगा एच सी एफ आ जाएगा हमारा एलेवन तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम वे आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ये सारे एग्जाम्पल भी उसी तरीके से करने हैं जो रिलेशनशिप है उसका यूज़ करना है और जो भी आपको फाइंड आउट करना है उसको उसके अकॉर्डिंग करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एल सी एम एच सी एफ फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑन द वे टू स्कूल फोर चिल्ड्रन स्टेप ऑफ द स्टेप मेजर ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर थर्टी सिक्स सेंटीमीटर एंड फोर्टी सेंटीमीटर एंड फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दे स्टेप ऑफ टूगैदर अगेन देखिए चार बच्चे हैं वो स्टेप ऑफ करते हैं अलग अलग स्टेप मेजर किए हैं फर्स्ट का ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर है फिर थर्टी सिक्स सेंटीमीटर फोर्टी सेंटीमीटर एंड फिफ्टी सिक्स सेंटीमीटर अलग अलग एट व्हाट डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस के बाद होगा द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है विल दे स्टेप ऑफ टुगेदर मतलब एक साथ हो जाएंगे तो कौन सी लीस डिस्टेंस कम से कम किस डिस्टेंस पे जाके उनके जो स्टेप्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे और बराबर एक साथ हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे एल सी एम एल सी एम फाइंड आउट करेंगे लेटेस्ड द एल सी एम ऑफ ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एंड फिफ्टी सिक्स हमने कॉमन डिविजन मैथड से या एल सी एम फाइंड आउट किया है चारों नंबर है टू से डिवाइड हो सकते हैं टू से डिवाइड किया ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी एट अगेन टू से डिवाइड हो सकता है हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया सिक्स नाइन टेन एंड फोर्टीन अगेन हम टू से डिवाइड करेंगे टू थ्री से सिक्स हो जाएगा नाइन एज इट इज आ जाएगा या फाइव और या सेवन अगेन थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वन थ्री फाइव एंड सेवन अब ये क्या है थ्री फाइव और सेवन प्राइम नंबर हैं तो ये थ्री से डिवाइड होगा फाइव फाइव से डिवाइड होगा और सेवन सेवन से डिवाइड होगा तो हमारा एल क्या आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन दैट इज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी हमने इसको आगे नहीं किया आगे डिवाइड करते तो क्या होता है यहाँ से थ्री से थ्री को थ्री से डिवाइड करते फाइव को फाइव से सेवन को सेवन से तो हमने यहाँ पे इन तीनों को एज इट इज लिख दिया है तो क्या हो जाएगा दे विल स्टेप ऑफ टूगेदर आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी मिनिमम इस डिस्टेंस पे जाके होगा तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है प्रॉब्लम ऑन एच सी एफ एग्जाम्पल लेते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर सिक्स इन ईच केस ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स एच सी एफ एच सी एफ क्या आता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 अब देखिए ईच केस में सिक्स जो है रिमाइंडर है मीन्स ये एक्स्ट्रा है तो हम क्या करेंगे दोनों नंबर में से सिक्स जो है सब कर देंगे इसमें से भी और इसमें से भी तो हमारे जो नंबर क्या हो जाएंगे नंबर हो जाएंगे सिक्स हंड्रेड एंड नाइन फिफ्टी सेवन अब हम इसका एस फाइंड आउट कर लेंगे अगेन हमने लॉन्ग डिविजन मेथड से किया है नाइन फिफ्टी सेवन को हमने लिख दिया अंदर क्योंकि वो बड़ा है और उसको डिवाइड किया है सिक्स हंड्रेड नाइन से वन टाइम होगा सब किया तो थ्री फोर्टी एट अब ये जो हमारा डिवाइजर था ये बन जाएगा डिविडेंड अगेन हमने डिवाइड किया वन टाइम हुआ टू सिक्सटी वन आ गया अब ये जो डिवाइज़र है हमारा डिविडेंट बन जाएगा इसको अंदर लिख देंगे टू सिक्सटी वन से डिवाइड करेंगे वन टाइम होगा एटी सेवन आ गया अब ये जो हमारा डिवाइजर है ये क्या बन जाएगा अगेन डिविडेंट हम तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट में जीरो नहीं आ जाता एटी सेवन से डिवाइड करेंगे थ्री टाइम्स हो जाएगा और जीरो आ जाएगा तो जो लास्ट डिवाइजर था 87 वो हमारा क्या हो जाएगा एच सी एफ है रिक्वायर्ड आंसर इज 87 जो हमारा एस सी एफ है तो इस तरीके से हम एच सी एफ फाइंड आउट कर लेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट पूछा है तो एस सी एफ फाइंड आउट करना है और लीस्ट पूछा है तो एल सी एम फाइंड आउट करना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें एल सी एम और एस सी एफ फाइंड आउट करना है तो इन सारे क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा